रही है कि हमें एक अंक तक रख दें 114-15 ताकि अपने अंक को 120 के आसपास रखें, 122 के आसपास रखें, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अन्य है, जो बाकी कोई दल है, वो उनकी ओर ना जाकर के हमारी ओर आएगा। तो वो उस डर की वजह से अब उन्होंने क्या किया है कि जहां हमारे हिलसा के कैंडिडेट को कहा गया कि आप 527 वोट से जीत चुके हैं, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसको थोड़ी देर बाद, दो घंटे बाद कहा जाता आप 12 वोट से हार गए। साहब जब काउंटिंग नहीं हो, 12 वोट से कहां से हार गए? और ऐसा एक नहीं है, मैं आपको गिना के बता दूं, ऐसे दर्जनों है। राजा पकड़, टेकाड़ी, मुंगेर में आइए, छपड़ा, महिषी, भोरे, आरा, दरौंदा, परबत्ता, परिहार, सकड़ा, और रामगढ़ में हमारे कैंडिडेट जीत गए। जब तक ये लोग सक्रिय नहीं हुए थे यहाँ पटना में उस कार्यालय से, उन्हें बाद में ढूंढा जा रहा था कि साहब वो सर्टिफिकेट लेके कहाँ चले गए। संभवतः ऐसा होता कि उनको भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए वेट कर रहे हैं, 1600 से जीत चुके हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा 2-3 घंटे से। तो ये जो जनमत को के अपहरण की कहानी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते रच रहे हैं ना, जनमत के अपहरण की जब जब कोशिश होती है तो बहुत बार दिक्कत। क्या आश्वासन मिला सर चुनाव आयोग से? शिकायत जो आप लोगों ने की उस पर क्या आश्वासन मिला? मैं समझता हूँ ऐसी कम से कम मैं अंदाज कर दो दर्जन सीट है क्या, और उसी में फैसला, क्या आश्वासन मिला? देखिए, चुनाव आयोग को पता है, हमने कहा आपको इंटरवीन करना है। अगर चुनाव आयोग की गरिमा को इस प्रकार प्रशासन के लोग ठेस पहुंचाएंगे तो कल को तो सीबीआई से ही चुनाव करवा लें, ये वही बेहतर होगा, पूरा नियंत्रण रहेगा, या आधा अधूरा नियंत्रण किस काम का जी? क्या आश्वासन क्या मिला, मतलब क्या बोला मुख्य निर्वाचन अधिकारी? मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वो हर एक मामले की जांच करेंगे, एक एक केस की, ये उन्होंने आश्वासन दिया। दिक्कत क्या है ना कि बहुत बड़ी भूमिका होती है स्थानीय प्रशासन। अब आप लोग का अगला रुख क्या होगा सर? अगला रुख क्या होगा? कैंडिडेट को बोल दिया गया था कि नहीं, जीत गए। नहीं, मिक्स्ड इश्यूज हैं, दोनों का कंफ्यूज मत करिए। कुछ सीट पे कहा गया था कि आप जीत गए, सर्टिफिकेट कहा गया कि नहीं, फिर से जो काउंटिंग हुई आप हार गए। कुछ जगह कहा गया कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, वेट कर रहे हैं 3 घंटे से नहीं मिल रहा। कुछ जगह पर जीते हुए उम्मीदवार को बताया जा रहा है कि नहीं, फिर से रिपोल होगा, रिकाउंटिंग होगी। जब हम रिकाउंटिंग की मांग करते हैं तो रिकाउंटिंग नहीं मिलती, जब वो रिकाउंटिंग की मांग करते हैं तो फासला बड़ा होने पर भी रिकाउंटिंग की बात पूरी हो जाती है। लब्बो लुबाब ये है कि 2 दर्जन सीटों पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं ये कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जनमत को ठगने और अपहरण करने की जब जब कोशिश होती है तो जनता जानती है कि किस प्रकार अपहरण करने वालों को संदेश पहुंचा दे। आप लोग आगे क्या करेंगे सर? आपके कार्यकर्ता उत्तेजित हैं, धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता कुछ नहीं करेंगे उत्तेजना में, जो करना होगा बिहार की आवाम करेगी।